अब थोड़ा सा याद करो कि ये सब शायद है ना, या तो लोअर क्लासेस में तो पढ़ा ही है। अब इन दोनों में बात आती है, अब अगर दो नंबर आएंगे, अगर दो नंबर लेंगे तो कंपैरिजन आएगा और उनके फैक्टर्स को देखने पे पता चलता है। जैसे 8 और 12 के लिए अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि भाई 8 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 2, और 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात आ रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है और 4 भी है। चार भी ठीक है, 2 और 4 दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है, जो कि 8 में भी है और 12 में भी है। 3 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। वाई? क्योंकि नहीं, दोनों में नहीं है। 3 जो है दोनों में नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर हुआ। अब कॉमन फैक्टर और 2 रहते हैं तो फिर उसमें से एक छोटा और एक बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम कॉमन क्या निकलता है। तो फिर बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज, तो हम जैसे 2 नंबर 3 नंबर कंपेयर करें, 12 18 और 24। तो अगर वैसे ही हमको समझ में आ रहा है कि 12 18 24 एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3, 18 को लिख देंगे 2 × 3 × 3, 24 को लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3, है ना, ये इसके तरीके हुए लिख लेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि व्हाट इज मैक्सिमम कॉमन इन ऑल दीज 3, तो वो क्या दिख रहा है हमको, दैट इज 6। इज इट क्लियर? इसमें 3 नहीं रहेगा ना सर, इसमें 6 रहेगा। 6 रहेगा, है ना, मैक्सिमम कॉमन जो तीनों में है ना। देखो 2 या 3 ये भी है, इसमें कॉमन फैक्टर तो ये भी है, 2 है 3 है 6 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है ना, 1 भी है, इवन कॉमन फैक्टर तो 1 है 2 है 3 है और 6 है, हाईएस्ट क्या है, सिक्स हाईएस्ट 6 है। इज इट क्लियर? यस है ना, अगर 12 और 24 अकेले होते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग आता, फिर 12 आता। ठीक है, क्योंकि 12 में भी 12 शामिल है, 24 में भी 12 शामिल है, आया ना, सर है ना। लेकिन लेकिन थर्ड थिंग इज, थर्ड नंबर इज ऑल्सो देयर, दैट इज 18, है ना, ये 18 20 बीच का, इसलिए ये नहीं होगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि भाई इन 3 नंबर के लिए मैक्सिमम कॉमन क्या है, 6 है, जो तीनों में आता है ना, ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ यस है ना। अब इसमें एक चीज जो समझने की आ गई कि 2 3 नंबर अगर हैं तो 3 नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है, या तो वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा, जैसे यहाँ पे पहला नंबर सबसे छोटा क्या है, 12, कॉमन फैक्टर क्या है, 6, है ना। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि या तो वो छोटे नंबर से भी छोटा होगा, या फिर अगर 12 और 24 का केस लेंगे तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ रहा है, तो हम बोलेंगे या तो छोटे नंबर के बराबर होगा। इज इट क्लियर? यस सर यस ठीक है ना, सर जो है वो छोटे नंबर के बराबर या छोटे नंबर से भी छोटा ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है, इसी को हम जीसीडी भी कहते हैं या जीसीएम भी कहते हैं, है ना। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, है ना, ये सब हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ऐसा तो सर चैप्टर नेक्स्ट। ठीक है, अगला देखें। सो मेथड्स, अब इसमें अलग अलग मेथड रहती है कि हम HCF कैसे निकालें। तो HCF निकालने की एक मेथड रहती है कि हम क्या करें, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें नंबर को। ठीक है, प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे और उसमें से फिर जितने भी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं जो हर नंबर में हो, उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। देखो, जैसे अगर बोला 70 और 90, बाय ऑब्जर्वेशन आप ओवरऑल बता सकते हो कि इसका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्या होना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है जो 70 में भी है और 90 में भी है। टेन n है, वेरी गुड, है ना।
और अगर समझने के लिए हम बोलें तो 10 को 70 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, और 90 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 9। अभी मैं 9 ही लिख रहा हूँ ना, प्राइम में नहीं बदल रहा हूँ। रीजन इसका कि यहाँ पे तो 7 है, यहाँ 9 है, और अगर इसको मैं इवन 3 और 3 भी लिखूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट वॉट आई ऑब्जर्व हियर कि मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, दैट इज 2 इंटू 5 दैट इज 10। क्लियर, ठीक है। सो एचसीएफ फॉर दिस इज 10। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।